बात ऑस्ट्रेलिया की करने जा रहे हैं, लेकिन खास तौर पर आज बात उन स्टूडेंट्स की करेंगे जो ऑस्ट्रेलिया जाना तो चाहते हैं लेकिन उनकी प्रोफाइल पर रिफ्यूज़ल लग चुकी है या फिर गैप आ चुका है, तो फिर कैसे वो अपना सपना साकार करें। कुछ अच्छे पाथवे प्रोग्राम्स आपको गाइड करेंगे, सिंगापुर पाथवे प्रोग्राम और न्यूजीलैंड स्टडी वीज़ा के बारे भी ज़रूर हम आपको बताएंगे ताकि स्टूडेंट्स इन अच्छी ऑप्शंस को भी समझें और आगे प्रोसीड कर सकें। स्वागत है आप सभी का, मैं हूँ हरजोत कौर और आज इन खास ऑप्शन के बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे नेविगेटर्स ओवरसीज से वीजा एक्सपर्ट मिसेस वीना गोयल मैम हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम, नमस्कार। नमस्कार। तो सभी स्टूडेंट्स जैसे कि जान ही चुके हैं कि मैम का तकरीबन 26-27 साल का जो एक्सपीरियंस है, ढेर सारे स्टूडेंट्स ने इनकी गाइडेंस से आगे बढ़े हैं और अपने फ्यूचर को ब्राइट किया है। और आप भी अगर सोच रहे हैं अभी तक कि अच्छी ऑप्शन नहीं मिल पा रही है, कोई अच्छी सलाह चाहिए, तो आज की वीडियो काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाली है आपके लिए। मैम सबसे पहले बात करें उन स्टूडेंट्स की जो ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते थे, चाहे कि रिफ्यूज़ल लग गई, चाहे कि उनकी प्रोफाइल में गैप बहुत ज़्यादा आ गया, उनको आप क्या सजेस्ट करेंगे कि अभी कितनी ऑप्शंस उनका वेलकम कर रही हैं? बच्चे ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते थे लेकिन किसी कारणवश वो जा नहीं पाए। अब कारणवश तो बहुत सारे हो सकते हैं, उनके जीटी क्लियर नहीं हुई या यूनिवर्सिटी ने कहा आपकी इनकम उतनी नहीं है जो हमें चाहिए, कहीं भी उनको वीक लगाओ, क्योंकि जो जीटी है वो यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करती है, यूनिवर्सिटी उसको बच्चे को एक्सेप्ट करती है या नहीं करती। बच्चा आर्ट्स का है, तीन मेजर हैं, चौथा नहीं है, तो बहुत सारी यूनिवर्सिटियाँ इन चीज़ों पर रिजेक्ट कर देती हैं। या पीछे देखने में आया कि हाई कमीशन से बहुत ज़बरदस्त रिफ्यूज़ल आई है और अच्छे अच्छे बच्चों की भी रिफ्यूज़ल आई हैं। अब इन सब का क्या सोल्यूशन है जो ये बच्चे ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं? या तो वो बिल्कुल इसके साथ की कोई कंट्री ले लें जहाँ पढ़ के, क्योंकि अब अगर हम न्यूजीलैंड की बात करें, अगर बच्चा न्यूजीलैंड में पढ़ता है, अपनी परमानेंट रेजिडेंसी ले लेता है, तो वो जॉब के लिए ऑस्ट्रेलिया जा सकता है। मींस वो ऑस्ट्रेलियन लोग तो पहले ही उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं जब बच्चा न्यूजीलैंड का बच्चा ऑस्ट्रेलिया जॉब के लिए जाता है, उसकी पीआर भी इमीडिएट हो जाती है। तो सेक्रीफाइस कितना, जस्ट 3 ईयर अगर आपने प्लस टू किए बैचलर करो या डिप्लोमा 2 साल का करो, या अगर आपने ग्रेजुएशन की हुई है तो मास्टर के लिए जा रहे हो तो जस्ट 1.5 साल पढ़ना है और 1 साल आप जॉब्स अपना वर्क एक्सपीरियंस पोस्ट स्टडी का 3 साल का मिलता है, उसमें 1 साल काम करो, आपके 6 पॉइंट पूरे पीआर के हो जाते हैं, 5 पॉइंट पोस्ट ग्रेजुएशन के मिलते हैं और 1 पॉइंट आपको 1 ईयर एक्सपीरियंस का मिलता है, जबकि 3 साल आपके पास होते हैं 3 ईयर पोस्ट स्टडी वर्क परमिट है पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद। मैं फिर से क्लियर कर रही हूँ, समझने में दिक्कत ना आए आपको। आप जब न्यूजीलैंड में पढ़ते हैं आपको जो है मास्टर्स के लिए बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने 2 की जगह 1.5 साल की मास्टर्स दी है, इवन 1.3 मंथ्स में 1.25 साल की भी आपकी है, लेकिन ज़्यादातर 1.5 साल की मिल जाती है। तो वो जो 1.5 साल की आप मास्टर्स करते हो तो उसमें आपको आपके पीआर के लिए पॉइंट चाहिए होते 6 और आपको 1.5 साल की पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद आपको 3 ईयर का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलता है, विद फैमिली भी जा सकते हो, बच्चा भी साथ लेके जा सकते हो, लेकिन पीआर के लिए पॉइंट चाहिए 6। तो अभी आपके पास आए क्वालिफिकेशन के बाद 1.5 साल बाद 5 पॉइंट, अभी 1 पॉइंट आपका काम है, तो 1 ईयर आप जॉब करके वो पॉइंट कवर कर सकते हो 3 साल में से, या फिर कहीं जॉब ले लोगे इमिडिएटली। तो जैसे ही आपके ये 6 पॉइंट हुए आपको न्यूजीलैंड की पीआर आ गई। जब आपकी न्यूजीलैंड की पीआर है तो ऑस्ट्रेलियन लोग तो आपको इमीडिएट ले रहे हैं जॉब के लिए, आप वहाँ की पीआर भी अप्लाई कर सकते हो। तो ये पाथवे आपका हो गया 2-2.5 साल में, जो कि ऑस्ट्रेलिया में आपने 2 साल पढ़ना था, 3-4 साल का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट है, फिर थोड़ा स्ट्रगल है, तो यहाँ पर हम बहुत शॉर्टकट में ले रहे हैं। तो जो बच्चों का गैप आ गया या रिजेक्शन हो गई है तो उनके लिए ये अच्छा पाथवे बन जाता है। सेकंड कहें, अब बच्चा कहता है बैचलर वाला कि मेरे को तो 3 साल बैचलर नहीं करने या 2 साल डिप्लोमा नहीं करना न्यूजीलैंड जाके, जबकि मेरी फर्स्ट प्रेफर्ड कंट्री न्यूजीलैंड होती है, तो वो सिंगापुर से पाथवे ले सकता है। सिंगापुर उसने 1 ईयर पढ़ना है, सेकेंड ईयर वो ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ में, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के डायरेक्ट कैंपस हैं जिनमें
जेम्स कुक यूनिवर्सिटी है, जिनमें न्यूकासल है, कर्टन यूनिवर्सिटी है, बच्चा खुद सर्च कर सकता है ऑनलाइन कि इतने सारे ऑप्शंस हैं। 1 ईयर आप सिंगापुर पढ़ोगे और 2 साल आप ऑस्ट्रेलिया पढ़ोगे, और आपको ऑस्ट्रेलिया का पूरा 3 ईयर का या 4 ईयर का जो भी, क्योंकि वहाँ एरिया वाइज है इस टाइम पोस्ट स्टडी वर्क परमिट। अगर आप सिटी में हो तो आपको 2 to 3 ईयर का मिल रहा है, और एरिया एंड कोर्स, मान लीजिए जो कोर्स हाई डिमांड में है, जिसके शॉर्टेज है, उसका जॉब सर्च वीज़ा उतना ही लंबा है, या ऑस्ट्रेलिया में जो रीजनल एरिया में है उसका उतना ही ज़्यादा लंबा आपका पोस्ट स्टडी वर्क परमिट है, 7 ईयर्स तक भी जा रहा है PhD स्टूडेंट्स को। तो आपने 1 साल खाली सिंगापुर में पढ़ा, अपनी फ़ीस बचाई, फ़ीस ऑस्ट्रेलिया की फर्स्ट ईयर की थी $35,000 के आसपास, यहाँ आपने सिंगापुर में दी $15,000, तो आपने ऑलमोस्ट $20,000 बचाया जी। और फिर आप जाके 1 साल बाद, यहाँ पे 1 साल आपने वेस्ट करना था, इधर लगाओ फाइल उधर लगाओ, 2-4-5 लाख का आपका नुकसान भी होना था जी। तो आप सेकेंड ईयर ऑस्ट्रेलिया चले गए। दिस इज़ द शॉर्टेस्ट एंड क्विकेस्ट वे टू रीच। जी जी बिल्कुल, तो बहुत अच्छे ढंग से मैम ने दोनों ऑप्शंस जो एक्सप्लेन किए हैं। खासतौर पर अगर न्यूजीलैंड की बात करें तो स्टूडेंट्स जो घबराते हैं फीस को लेकर, तो वीज़ा लगने के बाद आपने फीस देनी है तो नुकसान का कोई दोनों कंट्रीज में जी, सिंगापुर और न्यूजीलैंड जी, फीस जो पे करनी है बच्चे ने वो वीज़ा लगने के बाद करनी है। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है कि आपको फीस जो है वो वीज़ा लगने के बाद ही करनी है। जी जी जी, तो मुझे उम्मीद है कि जो स्टूडेंट्स सोच रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया तो अब हम जा ही नहीं सकते, लेकिन हमारा सपना था कि हम ऑस्ट्रेलिया जाए, तो फिर आपके लिए ये 2 बेस्ट ऑप्शंस हैं। और डिटेल में जानना चाहते हैं कि अगर आपकी जो प्रोफाइल है उसके अकॉर्डिंगली कौन सी ऑप्शन है, आपको सिंगापुर जाना चाहिए या फिर न्यूजीलैंड, कैसे आपने चूज़ करना है, आपकी इस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए आप जो स्क्रीन पर नंबर डिस्प्ले है इस पर कॉल करके और जानकारी ज़रूर ले सकते हैं। नेविगेटर्स ओवरसीज़ के ऑफिस विजिट कीजिए, अपने डॉक्यूमेंट ज़रूर लेकर आइए ताकि आपकी मार्कशीट को देख कर सही ऑप्शन जो है आपको गाइड की जा सकें और आप अपना सपना जो है साकार ज़रूर कर सकें। बहुत बहुत थैंक्स मैम, आज आपने स्टूडेंट्स के लिए जो अच्छी ऑप्शंस और बताई हैं और स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल आज की वीडियो भी रहेगी। आगे भी हम स्टूडेंट्स के लिए और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आते रहेंगे। आज के लिए हमें दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच। थैंक यू।